हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए बाइलिनियर फॉर्म का ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूं और हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि बाइलिनियर फॉर्म का डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जांपल। तो पहले हम देखते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो वी मान लीजिए एक वैक्टर स्पेस है, वी एक वैक्टर स्पेस है, किस फील्ड पर, फील्ड ए पर एक वेक्टर स्पेस है और एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है वी क्रॉस वी टू एफ में, एफ एक फंक्शन है वी क्रॉस वी टू एफ में। और ये कैसा फंक्शन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर ये फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलते हैं कि ये बाइलिनियर फॉर्म है। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन क्या है देखें, ये एक्चुअली लिनियरिटी का कंडीशन है। यहां पर अल्फा बीटा गामा ये तीनों किसके मेंबर्स हैं, वी के मेंबर है, वेक्टर स्पेस के। ए और वी किसके मेंबर्स हैं, फील्ड के। यहां एक चीज ध्यान रखिए, ये वी क्रॉस वी है, वी क्रॉस वी यानी यहां पेयर का इमेज बनेगा। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इस वी का मेंबर है, ये गामा इस वी का मेंबर है, क्योंकि वी क्रॉस वी का मतलब है पेयर, वी और वी के दो एलिमेंट्स के पेयर का इमेज कहां पे बन रहा है, फील्ड पर बन रहा है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा का इमेज स्केलर है, एक फील्ड का एलिमेंट है, ये बाहर आ गया, एफ अल्फा गामा प्लस यहां से बी स्केलर है, ये बाहर आ गया, एफ बीटा गामा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा ही है, समझिए कुछ उसी के जैसा। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा, ए बाहर आ गया अल्फा गामा हो गया, प्लस बी बाहर आ गया बीटा गामा। यहां पर ए और बी स्केलर जो है फर्स्ट प्लेस में था, और यहां पे जो स्केलर है ए बी वो सेकेंड प्लेस में है। तो यहां भी वही कंडीशन है, ए बाहर आ जाएगा गामा अल्फा, प्लस बी बाहर आ गया गामा बीटा। तो ये दो कंडीशन एफ सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम बाइलिनियर फॉर्म कहते हैं। तो आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, एफ एक फंक्शन है वेक्टर स्पेस वी क्रॉस वी टू एफ में, वी यहां वेक्टर स्पेस है और एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसा डिफाइन है, अल्फा बीटा का इमेज एल वन अल्फा एल टू बीटा ये बनता है। अब यहां पर एल वन और एल टू क्या चीज है, तो एल वन जो है वी पर फंक्शनल है और एल टू भी वी पर फंक्शनल है, मतलब एल वन और एल टू दो फंक्शनल है यहां पर। तो अब एल वन और एल टू, अब फंक्शनल आप लोग को मैं पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार याद दिला दूं, फंक्शनल क्या होता है, जो एफ वी टू एफ मतलब वेक्टर स्पेस से फील्ड में जब डिफाइन होता है और ये लिनियर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। तो इस कंडीशन को अगर ये एफ सेटिस्फाई करता है, कैसा फंक्शन है, वी से एफ मतलब वेक्टर टू स्केलर डिफाइन है और इस लिनियरिटी को सेटिस्फाई करता है, तब एफ को फंक्शनल बोलते हैं। और ये लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही कब कहलाता है, जब ये एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में डिफाइन हो और कंडीशन सेम हो। समझ में आया, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो लेक्चर्स में। लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, v1 से v2 एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और यही अगर फील्ड हो जाए, वेक्टर स्पेस से फील्ड हो जाए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब एफ को क्या बोला जाता है, फंक्शनल। तो यहां पर एल वन और एल टू फंक्शनल हैं। तो अब हमको प्रूफ करना है ए बाइलिनियर फॉर्म है, तो चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू किसके एलिमेंट्स ले लेंगे, वेक्टर स्पेस के, एंड ए बी किसका एलिमेंट ले लेते हैं,
फील्ड का। तो अब हम क्या करेंगे, एफ आर ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू और अल्फा बीटा भी ले लेते हैं, अल्फा बीटा भी बी का एलिमेंट यहां पर ले लेते हैं बीटा, ठीक है। ए अल्फा वन प्लस इस कंडीशन को हम देख रहे हैं पहले वाले प्लेस पे हम स्केलर का यूज कर रहे हैं इक्वल्स टू। अब हम इक्वेशन वन का यूज करेंगे, डिफाइन करके दिया हुआ है इसका यूज करें तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, एल वन ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू इंटू एल टू बीटा, हम इक्वेशन वन का यूज कर रहे हैं यहां पर। अब क्या हो जाएगा, एल वन क्या गिवन है, लीनियर फंक्शनल, और लीनियर फंक्शनल है मतलब ये क्या करेगा, लीनियरिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्केलर ए बाहर आ गया, एल वन अल्फा वन, यहां से बी स्केलर है ये कॉमन आ गया, एल वन अल्फा टू और ये इंटू एल टू बीटा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए एल वन अल्फा वन इंटू एल टू बीटा प्लस बी एल वन अल्फा टू इंटू एल टू बीटा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये किसका एलिमेंट है, फील्ड का, ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है मतलब ये जो इमेज आ रहा है किसका एलिमेंट है, फील्ड का, ये फील्ड का मेंबर है, ये फील्ड का मेंबर, ये फील्ड का, और फील्ड क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, क्लियर हो गया। ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, फील्ड के, और फील्ड के क्यों है, क्योंकि फंक्शनल है, और फंक्शनल क्या करता है, वेक्टर का इमेज फील्ड पर बनाता है, यानी ये सारे फील्ड के मेंबर है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से हम इक्वेशन वन का यूज करें, इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा वन बीटा प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए अल्फा टू बीटा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड कंडीशन को भी प्रूफ कर सकते हैं, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। ए ऑफ यहां पे फर्स्ट प्लेस पे अल्फा ले लेते हैं, सेकेंड प्लेस पे ले लेते हैं ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू। अब ये क्या हो जाएगा, ए सॉरी अब उसका डेफिनेशन देखें, इक्वेशन वन का एफ का डेफिनेशन दिया हुआ, एल वन अल्फा इंटू एल टू ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू। अब यहां पे ये देखिए एल वन अल्फा, ये एल टू भी क्या है, लीनियर फंक्शनल है, और फंक्शनल है यानी ये भी क्या करेगा, लीनियरिटी सेटिस्फाई करेगा, स्केलर बाहर, ए एल टू बीटा वन प्लस बी एल टू बीटा टू। और अब हम फिर से ही किसके एलिमेंट्स हो गए, अभी एक्सप्लेन किया हूं किसके एलिमेंट्स हो गए, फील्ड के, क्योंकि ये भी फंक्शनल है तो फील्ड, अब फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है इसलिए हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिए, एल वन अल्फा एल टू बीटा प्लस बी एल वन अल्फा इंटू एल टू बीटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को ए ए एफ ऑफ अल्फा बीटा वन प्लस बी एफ ऑफ अल्फा बीटा टू, हो गया सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइन है v क्रॉस v टू एफ में, ये कैसा फंक्शन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, बायलिनियर फॉर्म। तो क्लियर हो गया पहला एग्जांपल बायलिनियर फॉर्म का, अब हम ये सेकेंड एग्जांपल भी देखते हैं बायलिनियर फॉर्म का, इसके बाद हम उसके और डेफिनेशन, इसके जो टाइप्स होते हैं सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म, स्क्यू सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, हम इन सब क्वेश्चंस को अभी देखेंगे। तो चलिए सेकेंड एग्जांपल को पहले प्रूफ कर देते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल क्या है, अब फर्स्ट कंडीशन, यहां भी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो
तो हम इसके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसके भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसका एलिमेंट ले लेते हैं लेट X1, X2, ये हो गया अल्फा वन और X1 डैश X2 डैश ये हो गया अल्फा टू और Y1 Y2 ये बीटा वन, Y1 डैश Y2 डैश ये हो गया बीटा टू। ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? V2। V2 के कैसे एलिमेंट्स होते हैं आप लोग को पता है, थर्ड यूनिट मतलब वेक्टर स्पेस में पढ़ चुके हैं। ये टू टपल्स टाइप के मेंबर्स होंगे इसके V2 के, ये चार मेंबर्स रहिए और फील्ड का दो एलिमेंट ए और बी ये एज्यूम करिए। अब हमको क्या करना है, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू की वैल्यू फाइंड करनी है। ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो ए अल्फा वन की जगह क्या है X1 X2 प्लस बी अल्फा टू की जगह X1 डैश और ये है X2 डैश। तो इनका सम करेंगे मल्टीप्लाई करके, ये सब आप लोग कर चुके हैं, X1 प्लस BX1 डैश X2 प्लस BX2 डैश हो गया क्लियर। अब हम किसका इमेज निकालेंगे, दो कंडीशन उसमें ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कराने जा रहा है। तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू, यहां पर भी कोई एक एलिमेंट लेना है तो चलिए बीटा वन ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बीटा वन बीटा टू कुछ भी। तो अब हम यहाँ पे लिनियरिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब इमेज कैसे बन रहा है देखिए, यहां ध्यान से इमेज अल्फा बीटा का इमेज कैसे बन रहा है। यहां पर अल्फा का मतलब X1 X2 है और बीटा का मतलब Y1 Y2। तो ये इमेज कैसे बना ध्यान से देखिए, ये X1 का Y2 से मल्टीप्लाई हुआ, माने अल्फा जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट बीटा के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस होके जो बचे हुए दो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है Y2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, AX1 प्लस BX1 डैश। अब बीटा वन का सेकेंड एलिमेंट क्या है Y2, फिर क्या है माइनस, अब इसके सेकेंड एलिमेंट का इसके पहले एलिमेंट, तो इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है AX2 प्लस BX2 डैश, इसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी Y1। ये हम इसका डेफिनेशन अप्लाई किए, इसी डेफिनेशन से आया। एक बार फिर से बता दूं, अल्फा के फर्स्ट एलिमेंट का बीटा के सेकेंड से मल्टीप्लाई हुआ माइनस इसके सेकेंड का इसके फर्स्ट से, हम वही प्रॉपर्टी को इसी डेफिनेशन को हम यहां पे अप्लाई किए। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इमेज आया है वो क्या है स्केलर, ये क्या है स्केलर, फील्ड का एलिमेंट, और फील्ड का एलिमेंट तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं, -X2 Y1 -BX2 डैश Y1। तो ये आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो क्या करेंगे देखिए, यहां पे अब किनको किनको एक साथ रखेंगे, ए ए दोनों से ए कॉमन आएगा, तो अगले स्टेप में ए कॉमन ले लिए, बचेगा X1 Y2 माइनस X2 Y1 प्लस बी कॉमन आएगा बी वालों से, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में X1 डैश Y2 माइनस X2 डैश Y1। इतना क्लियर हो गया, यहां से हम ए कॉमन निकालिए इन दोनों से और इन दोनों से बी कॉमन निकालिए। अब हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से ये क्या चीज है, ए ए ऑफ अल्फा वन बीटा वन प्लस बी
ये क्या है, एफ ऑफ अल्फा टू बीटा वन। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि अल्फा वन बीटा वन का ये आएगा एफ इमेज और अल्फा टू बीटा वन का ये आएगा, इसलिए हम इसकी जगह ये और इसकी जगह ऐसा लिख दिए। तो ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। वैसे आप लोग सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, मैं इस कंडीशन को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए बन जाएगा। तो ये वाला कंडीशन आप लोग करेंगे, ए एफ ऑफ अल्फा वन बीटा वन प्लस बी एफ ऑफ अल्फा वन बीटा टू, ये आप लोग के लिए। तो ये दो कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई करता है और इसलिए ये जो सेकंड है फंक्शन एफ वो भी क्या है, बाइलिनियर फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं बाइलिनियर फॉर्म का मैट्रिक्स एक्सप्रेशन, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो चलिए देखते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अल्फा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, बीटा है वाई वन वाई टू वाई थ्री, और ये जो बाइलिनियर फॉर्म एफ जो डिफाइन किया है, एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एक्स वन वाई वन प्लस टू एक्स वन वाई टू प्लस फाइव एक्स वन वाई थ्री माइनस टू एक्स टू वाई वन प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस सिक्स एक्स थ्री वाई टू प्लस सिक्स एक्स थ्री वाई थ्री, ये है बाइलिनियर फॉर्म। अब इस बाइलिनियर फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहां पर इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा कैसे डिफाइन है एफ। यहां पर ये थ्री टपल्स हैं, मतलब एफ कैसा फंक्शन है, वी थ्री क्रॉस वी थ्री टू एफ में इस प्रकार डिफाइन है। समझ में आ गया होगा एफ कैसा बाइलिनियर फॉर्म है, वी थ्री क्रॉस वी थ्री टू एफ में। तो अब इस बाइलिनियर फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, जो x1 वाले हैं टर्म्स उसमें से x1 कॉमन ले लें और बचेगा क्या, फिर y1 प्लस 2y2 प्लस 5y3। वैसे जो x2 वाले टर्म्स है उसमें से x2 कॉमन निकालें तो माइनस 2y1 और प्लस y3, y2 नहीं है मतलब 0y2 लिख सकते हैं प्लस y3। अब x3 वाले से x3 कॉमन निकालें तो y1 वाला टर्म नहीं है, सीधा x3 के साथ सिर्फ y2 है तो प्लस माइनस 6y2 प्लस y3 वाला भी टर्म नहीं है तो 0 इंटू y3। क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेप में हम इसको x1 कॉमन निकाल लिए x1 वाले से, x2 वाले से x2 कॉमन निकालिए और x3 वाले से x3। अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, x1 x2 x3 इंटू ये लिख सकते हैं y1 प्लस 2y2 प्लस 5y3 और यहां जाएगा माइनस 2y1 प्लस 0y2 प्लस y3, यहां जाएगा 0y1 और प्लस माइनस 6y2 प्लस 0y3। अब देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर इसको और मैट्रिक्स को सेकंड वाले मैट्रिक्स को देखिए क्या लिख सकते हैं, उसको भी हम दो मैट्राइसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में
एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, 1, 2, 5, ये यहां y1, y2, y3 के कोफिशिएंट को फर्स्ट रो में, सेकेंड वाले रो में क्या है -2, 0, 1 y1, y2, y3 का कोफिशिएंट, थर्ड वाले रो में 0, -6, 0 और इसको लिख सकते हैं y1, y2, y3 ये कॉलम में। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में सोचे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 × y1 + 2 × y2 + 5y3 देखिए वही आया। अब इसका अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y1 + 0y2 + y3 तो हम ये जो मैट्रिक्स था सेकेंड वाला उसको फिर से दो मैट्राइसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब हम इसको देखें तो ये है एक्स डैश, ये जो अगर हम एक्स कॉलम मैट्रिक्स ले लें x1 x2 x3 ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स x1 x2 x3, इसलिए हम इस x1 x2 x3 को एक्स डैश लिख दिए और इस मैट्रिक्स को a और इस मैट्रिक्स को y ले लेते हैं, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है y1 y2 y3 y और a ये वाला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम देख सकते हैं कि इस बायलिनियर फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं तीन मैट्राइसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्लियर हो गया। हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलिए, एक्स डैश ए वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है ऐसा मान सकते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्या है 1×1 का 1 रो 1 कॉलम देख सकते हैं। इसको जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्राइसिस का प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है 1×3, यहां 3×3, यहां 3×1। तो अब हम इन दोनों को चलिए पहले प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम है तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 3×1 का मैट्रिक्स आएगा, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 3 कॉमन है तो 1×1 का, तो ये जो एच डेस ए वाई होता है ध्यान रखिएगा 1×1 का मैट्रिक्स होता है। अब या अब कोई 1×1 का मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि एग्जांपल चलिए एक बी मैट्रिक्स है, इसमें ये 1×1 का मैट्रिक्स है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहें तो क्या है 1 रो 1 कॉलम है तो वही आ जाएगा, यानी बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा बी के। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, अभी हम जब थ्योरम प्रूफ करेंगे तो यूज होगा कि जो एक्स डैश ए वाई है क्योंकि ये 1×1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और 1×1 की स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें तो फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी बी डैश इक्वल टू बी होता है। हम इसकी इस प्रॉपर्टी का यूज अभी थ्योरम प्रूफ करने में करेंगे। तो चलिए हम एक डेफिनेशन देखते हैं आगे, सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म, सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म क्या होता है। तो अभी आप लोग इससे रिलेटेड और भी जो एग्जांपल्स हैं उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, बहुत इजी है ये टॉपिक, ये आप लोग से बन जाएगा। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म क्या होता है, सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म। तो सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म होता है सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म। तो सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म क्या होता है, ये जो बायलिनियर फॉर्म है एफ वी क्रॉस वी टू एफ में, ये जो बायलिनियर फॉर्म है सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म कहलाता है। कब कहलाता है, जब एफ ऑफ अल्फा बीटा और इक्वल्स टू हो जाए एफ ऑफ बीटा अल्फा, नाम से ही लग रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब अल्फा बीटा को हम बीटा अल्फा भी लिख सके तब उसको हम सिमेट्रिक बायलिनियर फॉर्म कहते हैं। अब हम इस पे बेस्ड एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, ये थ्योरम है क्या दिया स्टेटमेंट, इफ वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन ए बायलिनियर फॉर्म एफ वी इज ऑन वी
इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इट्स मैट्रिक्स ए और ए इन सम और एवरी ऑर्डर्ड बेसिस इज सिमेट्रिक। अगर इसमें जो मैट्रिक्स ए आता है, जब हम इसको बाइलिनियर फॉर्म को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स डैश ए वाई, तो जो ए आता है वो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक होगा। तो हम इस थ्योरम को, स्टेटमेंट को पहले समझें कि ये क्या बोलना चाह रहा है इसका स्टेटमेंट। तो ये थ्योरम बोल रहा है कि इफ जो बाइलिनियर फॉर्म है v क्रॉस v2 इफ में ये सिमेट्रिक होगा, इसी स्टेटमेंट को मैं ब्रीफ में यहां पे लिख रहा हूं, ये होगा सिमेट्रिक इफ एंड ओनली, ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इसमें जो मैट्रिक्स ए यूज होता है वो सिमेट्रिक हो, यानी ए डैश इक्वल टू ए। तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, पहले ये जो बाइलिनियर फॉर्म है वो सिमेट्रिक है, ले ए फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ इज ए, अभी बाइलिनियर फॉर्म ले लेते हैं, अभी सिर्फ बाइलिनियर फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं, ये एक बाइलिनियर फॉर्म है। अब हम क्या कर सकते हैं, देन अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताया हूं कि अगर हम एफ ऑफ अल्फा बीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, एच डैश ए वाई, ये इक्वेशन वन दे देते हैं। और हम अगर इसको बीटा अल्फा लिख दे तो यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, ये वाई डैश ए एक्स ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको बीटा अल्फा कर दे तो वाई डैश ए एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, अब एक पार्ट इस साइड को एज्यूम करके ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। तो एज्यूम कर देते हैं कि लेट एफ इज सिमेट्रिक, एफ कैसा है, सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है, तो सिमेट्रिक है देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा बीटा का जो बाइलिनियर फॉर्म है वो, और मतलब एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा, ये हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा बीटा है एफ ऑफ अल्फा बीटा, उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको यहां पे पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म को यहां पर क्यों पुट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको क्या लाना है, अब इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लाना है, मतलब ए डैश इक्वल टू ए लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन वन से रखें तो एच डैश ए वाई हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर टू से हम बीटा अल्फा की वैल्यू रखें तो वाई डैश ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें एच डैश ए वाई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हम ट्रांसपोज ले लें, क्योंकि ये क्या है, वाई डैश ए एक्स का ट्रांसपोज ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचिए क्यों लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताया हूं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो कैसा मैट्रिक्स मिलता है, वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स मिलता है, और वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे हैं कि अगर बी वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हैं, बी डैश इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी ये वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसका ट्रांसपोज और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब यहां पे अगर हम वाई डैश ए एक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वाई डैश ए एक्स के इक्वल होगा, बी डैश बी के इक्वल होता है, बस ही इसका डैश इसके, डैश मतलब ट्रांसपोज, क्लियर हो गया, इसीलिए मैं अभी एग्जांपल जब बताया तो एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके बाद हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं और इंडिविजुअली यहां ट्रांसपोज लें तो ये रिवर्स हो जाता है।
ऐसा रिवर्स हो जाता है, देख सकते हैं। जब हम होल ट्रांसपोज को इंडिविजुअली ने उस ट्रांसपोज को मतलब इस ट्रांसपोज को अब अलग अलग करें तो पहले एक सा आ जाएगा सीक्वेंस में, फिर ए, फिर वाई का ट्रांसपोज ट्रांसपोज लास्ट में, सीक्वेंस जो है चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे, एक्स डैश ए वाई इक्वल टू एक्स डैश ए डैश और यहां पे आ गया वाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे अब कंपेयर करें तो ए इक्वल टू ए डैश, इससे क्या लिख सकते हैं इसको ए इक्वल टू ए डैश, मतलब क्या हो गया ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो गया। तो एक तरफ से ये थ्योरम प्रूफ हो गया कि अगर बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक एज्यूम करके चलते हैं तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कन्वर्स पार्ट पे, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कन्वर्सली कन्वर्सली सपोज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब हम बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई करें, एक्स डैश का एक्स डैश ए डैश और वाई का क्या करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को ध्यान दीजिएगा, इस वाई को हम लिख सकते हैं वाई डैश का डैश, लिख सकते हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, ये जो इसको हम फिर से यही वाली प्रॉपर्टी से ये अलग अलग ट्रांसपोज है, इसको होल ट्रांसपोज करेंगे तो फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वाई डैश ए एक्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स डैश ए वाई, ऐसा हो जाएगा एक्स डैश ए वाई। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में आए तो ये फिर वन क्रॉस वन का क्या है मैट्रिक्स है, तो वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है मतलब क्या हो गया, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे जैसे मैं भी बताया था बी अगर वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है तो बी डेज क्या होता है बी, वैसे ये वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से यही प्राप्त होगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये हो गया एच डैश ए वाई। अब हम शुरुआत में डिफाइन किए थे एफ ऑफ अल्फा, ये वाला जो है ये क्या है एफ ऑफ अल्फा बीटा है और ये क्या होता है एफ ऑफ बीटा अल्फा, तो प्रूफ हो गया। ये क्या बताता है कि एफ जो है सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एफ अगर सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है तो उसका मैट्रिक्स ए भी सिमेट्रिक होगा, और अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो उसका बाइलिनियर फॉर्म भी सिमेट्रिक होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में आज इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए और अगर एक बार में क्लियर ना हो तो रिपीट करिए, फिर से वॉच कीजिए उस वीडियो को और इसका नोट्स तैयार करके अच्छे से इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स जो आप लोगों की बुक में है उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।